हाँ नमस्कार सभी साथियों को। आज हम बात करने वाले हैं एक फायर के छोटे से इक्विपमेंट के बारे में। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं इसको हमें ब्रीचिंग के नाम से जानते हैं। इसको ब्रीचिंग कहा जाता है। अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें कि ब्रीचिंग किसे कहते हैं, एक वाई आकार का यंत्र जो दो लाइनों का पानी एक लाइन में और एक लाइन का पानी दो लाइनों में विभाजित करने के लिए जिस उपकरण का, जिस यंत्र का हम प्रयोग लेते हैं, उसी उपकरण को हम किसके नाम से, ब्रीचिंग के नाम से जानते हैं। इसके प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो दो प्रकार इसके होते हैं। सबसे पहले आता है अपने पास में डिवाइडिंग ब्रीचिंग, पहले डिवाइडिंग ब्रीचिंग और दूसरा आता है कलेक्टिंग ब्रीचिंग। डिवाइडिंग ब्रीचिंग और दूसरा आता है कलेक्टिंग ब्रीचिंग, ठीक है। दो प्रकार होते हैं इसके। अगर पूछ ले एग्जाम के अंदर कि ब्रीचिंग कितने प्रकार की होती है तो दो प्रकार की, एक डिवाइडिंग और दूसरी कलेक्टिंग। डिवाइड का अर्थ होता है विभाजित करना, एक लाइन का जो पानी होता है उसको दो लाइनों के अंदर बांटना, विभाजित करने का जो यंत्र होता है वो डिवाइडिंग कहलाएगा। और कलेक्टिंग है जो दो लाइन का पानी एक लाइन के अंदर इकट्ठा करने का काम करता है, उसे हमें कलेक्टिव ब्रीचिंग के नाम से जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये होगा अपने पास में कौन सा, डिवाइडिंग ब्रिज। यहां से हम होज कनेक्ट करते हैं और ये जो पानी की जो सप्लाई हम देते हैं, इस पानी की सप्लाई को ये क्या करता है, दो भागों में विभाजित करने का काम करता है। तो एक जो लाइन है वो ये हुई और दूसरी जो लाइन हो जाती है वो ये। अब आपको हम दोनों साइड से घेर करके और फायर फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इस उपकरण को हम किसके नाम से, डिवाइडिंग ब्रिजिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा, अगर हम इसके आईएस कोड की बात कर ले तो इसका आईएस कोड जो होता है 905 आईएस कोड होता है। डिलीवरी कलेक्टिंग एंड डिवाइडिंग ब्रीचिंग इंटेंटेनियस फॉर पर्पज फॉर फायर फाइटिंग पर्पज, तो इसका जो आईएस कोड है वो 905 होता है। अगर यहां से इसके एंगल की बात करें तो ये कपलिंग से इसके अंदर टोटल दो फीमेल कपलिंग होती हैं और एक मेल कपलिंग होती है। यहां से इसका जो एंगल, जो कोण जो बनता है उसकी अगर बात करें तो इसमें कोण बनेगा 60 डिग्री का। यहां से ये जो एंगल, जो डिग्री का कोण जो बनेगा वो कितना, 60 डिग्री का कोण इनके बीच में बनता है। उसके बाद में नीचे की तरफ मेल कपलिंग होगी, मेल कपलिंग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिवाइडिंग ब्रीचिंग के अंदर मेल कपलिंगों की संख्या कितनी है, टोटल एक मेल कपलिंग होगी और ऊपर की तरफ फीमेल कपलिंग कितनी होगी, दो। तो फीमेल अगर कपलिंग की बात करें तो कितनी हुई, दो, ठीक है। तो ये ब्रीचिंग होती है जिसके माध्यम से हमें एक लाइन का पानी दो लाइनों के अंदर विभाजित करने का काम करें। इसके हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट की अगर हम बात करें, हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट कितने केजी सेंटीमीटर स्क्वेयर पे किया जाता है, तो 21 केजी सेंटीमीटर स्क्वेयर के ऊपर से इसे ब्रीचिंग का हम हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट करके देखते हैं। और लगभग दो मिनट तक हम यहां में इसमें पानी का जो प्रेशर है वो देने का काम करेंगे। दो मिनट तक जब 21 केजी का प्रेशर हम देते हैं इस ब्रीचिंग में, किसी भी जगह से इसमें लीकेज है तो वहां से पानी का रिसाव होना शुरू हो जाता है। तो हमें इसके बारे में ये पता लग जाता है कि ये जो ब्रीचिंग है प्रॉपरली काम नहीं हो कर रही, ये लीकेज है। तो तुरंत हम इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये इसका हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट की अगर बात करें तो 21 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर और लगभग दो मिनट तक इसके अंदर पानी देने का हम काम करें। तो ये थी डिवाइडिंग ब्रीचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।